YouTube चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पॉलीनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट किया था और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचओटीज लेवल क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन इस टॉपिक के करेंगे और इसी के साथ ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियोस जो आपने ना देखी हो तो प्लीज उन्हें देख लीजिएगा और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये एक एग्जांपल है 2x^4 एंड दिस क्वेश्चन रहेगा कि टू जीरोस गिवन है √2 एंड -√2 और बाकी दो जीरोस इसकी फाइंड आउट करनी होगी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं। हमने बोला इफ 2 इज अ जीरो ऑफ px दैट इज p2 इज इक्वल्स टू 0 implies x minus 2 is a factor, ऐसे किया था। If a is the zero of px, that implies pa is equals to 0 और x minus a is a factor, ये याद आता है मैं? ठीक है, तो यहां पर given है, solution देख लीजिएगा कैसे स्टार्ट करेंगे। बेसिक हम कर चुके हैं। solution, since √2 and -√2 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स को हमें इसका नाम रख लेते, जो गिवन पॉलिनोमियल होता है ये पी एक्स होता है। इट इंप्लाइज एक्स माइनस √2 एंड एक्स प्लस √2 आर द फैक्टर्स। ये फैक्टर थ्योरम जो बताई थी, ठीक है, एक्स माइनस √2 इट इंप्लाइज यदि ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट डेट इज एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 डेट इज ये कितना होगा इज इक्वल्स टू लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो आप समझ गए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का पी एक्स का एक कोई फैक्टर होगा और मेरे को अदर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा। लास्ट क्लास में भी हमने इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अदर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। आइए, तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड 2x^4 3x³ -3x² +6x - 2 और इसको हम डिवाइड किससे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर तो पता है आपको कि यहां पर आपकी हाईएस्ट टर्म है 2x^4 और यहां पर कौन है एक्स स्क्वायर, मतलब 2x² आएगा डिवाइड करके। तो यहां पर आप ले लेंगे जो इसका क्वोशेंट रहेगा, यहां पर आएगा 2x^2। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x^4 फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x², वो भी कैसा माइनस का 4x². अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये टर्म माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की और ये कैंसिल आउट, तो बाकी क्या कॉपी करेंगे -3x³ और यहां से कितना आएगा +x² और ये एज इट इज +6x - 2। यहां पर हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है 3x³ और यहां पर कौन x² तो डेट इज -3x। तो यहां पर -3x लिखिएगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहां पर डाल दीजिएगा 3x³। देखो -3 और x² और x³ फिर मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो प्लस आएगा और कितना आएगा 6x। सब्ट्रैक्ट करने में ये साइन प्लस और ये माइनस तो ये तो कैंसिल आउट, क्या बचने वाला है यहां पर एक तो x², ये तो कैंसिल आउट हो गया और फिर क्या बचा -2। तो देखो ना बेटा यहां पर +1 ले लेते हैं तो यहां पर x² - 2 और रिमाइंडर जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। तो इट मींस
2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। बताओ ये बात आप जानते हो कि नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आ जाएगा। इट मींस गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटेन, गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। टू फाइंड अदर जीरोज, टू फाइंड अदर जीरोज, अदर जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नया पॉलिनोमियल कोशेंट में मिला है ना, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको कहीं से रब कर देते हैं, ये डिवीजन आपको समझ में आ गया, ये डिवीजन वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं, डिवीजन वाला पार्ट रब कर दे रहा हूं। तो इसको यहां पर शिफ्ट कर लेंगे। इट इंप्लाइज 2x पावर 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। टू फाइंड अदर जीरोज क्या करेंगे, फैक्टर कीजिएगा 2x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 वंस आर 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 हो तो कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1 तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1। तो बेटा इसके फैक्टर आपको समझ में आ गए किसके, ये मैंने फैक्टर किया, ये मैंने फैक्टर किया। चाहो आप इसे मेन पार्ट में कर सकते हो, चाहो आप इसे क्वेश्चन के मेन पार्ट में कर सकते हो, अदरवाइज अदरवाइज जो अच्छा प्रेजेंटेशन होता है उसे करने के लिए, ताकि क्वेश्चन के मेन पार्ट में कोई आफत ना आए, कोई मिस्टेक ना हो, हमेशा यहां पर वर्किंग डाल दीजिएगा, वर्किंग नंबर 1 नंबर 2 जितनी भी वर्किंग करे। तो ये फैक्टर आप यहां पे करके दिखा सकते हैं, ये फैक्टर कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इतने के इक्वल हो गया। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, यहां पर आपने ऐसे वर्किंग दी 2x माइनस 1 और x माइनस 1, ये फैक्टर हो गए, ठीक है बेटा। तो वर्किंग में डाल दिया आपने ये। तो अब हमें क्या करना है, बस इज इक्वल्स टू करके लिखते जाइएगा, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 को किस फॉर्म में लिख दीजिएगा, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, और इसके दो फैक्टर कौन से आए, 2x माइनस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1। फिर जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स, देखो बेटा इन सब को जीरो के इक्वल हम मानते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं उसके बाद ही जीरोज मिलेंगी। तो इससे क्या मिली, इससे क्या मिली, रूट टू, यहां से माइनस रूट टू। एक्चुअल में ये तो आपको पहले से गिवन ही थी, ये तो आपको पहले से गिवन ही थी, बस हमने इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लिख दिया। दो जीरोज तो यही रहेंगी क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड ऑल जीरोज, फाइंड ऑल जीरोज, यदि ऑल जीरोज है तो दो गिवन है, दो निकालेंगे, और कहें फाइंड अदर जीरोज तो केवल आंसर में आप इतना दे देंगे। यहां से क्या आएगा, देखो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एक जीरो ये आ गई और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। यहां से आपको सारे जीरोस फाइंड आउट कर दी, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो इसमें शायद और पार्ट ऐड करके नहीं देंगे, अदरवाइज क्या कह सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट कर लीजिएगा, सॉरी वेरीफाई कर दीजिएगा, अदरवाइज और क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, मतलब कुछ भी हो ऐसे क्वेश्चन बड़ा छोटे छोटे पार्ट मिला के बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। हमको क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही करना है, हमको उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में कहा जाए। तो यहां पर जीरोज फाइंड आउट करनी थी, हमने जीरोज फाइंड आउट कर ली, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आइए भाई चलो एक क्वेश्चन कोई और देखते हैं, एक क्वेश्चन कोई और देखते हैं, लाइक
क्वेश्चन है 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 -2x² - 10x - 5 ऐसे कोई पॉलिनोमियल गिवन है और ये है px और ये है px। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उससे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहां पर इसकी जीरोज गिवन है, इसकी जीरोज गिवन है √5/3 और -5/ ऐसे √3। तो अपॉन में हम कैसे सोल्व करते हैं, अपॉन में हम इसको कैसे सोल्व करते हैं आइए देख लेते हैं। यहां पर अब ज्यादा इसकी डिटेल तो मैं बताएं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिएगा सीन्स √5/3 एंड -√5/3 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, इट इंप्लाइज x -√5/3 एंड x + √5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये फैक्टर होंगे और डेट इज इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। इट इंप्लाइज x² - 5/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब बात आती है कि और जीरोज फाइंड आउट करने के लिए जो ये मेरे पास फैक्टर आया इससे मैं डिवाइड किया करता था। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपके पास ये रहेगी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपके पास ये रहेगी कि x² ये अपॉन वाला जो पार्ट है इससे मैं कैसे डिवाइड करूं, इससे मैं कैसे डिवाइड करूं। तो यहां पर हम कर लेंगे इज ऑल्सो फैक्टर इज इक्वल्स टू, यहां पर आप 3 LCM ले लीजिएगा, तो 3x² - 5 इज अ फैक्टर, दैट इज 3x² - 5 डिनोमिनेटर हटा दीजिएगा इज ऑल्सो अ फैक्टर, इज ऑल्सो अ फैक्टर। टू फाइंड अदर जीरोज, टू फाइंड अदर जीरोज क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड चाहे आप मेन पार्ट में कर लो कोई बात नहीं, वर्किंग में कर लीजिएगा कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर लिख देंगे टू फाइंड अदर जीरोज 3x4 6x³, यानी कि लैंग्वेज में बहुत ज्यादा आपको स्टेटमेंट नहीं बनाने हैं, बस आपको प्रोसीजर पे ध्यान रखना है। 3x² - 5 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो 3x² 3x4, तो यहां पर x² रहेगा, ये कितना हो गया बेटा 3x4 और 5x² - 5x² - तो अब क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा और यहां से कितना बचने वाला है, ये बचेगा बेटा 3x², ये एज इट इज 6x³ - 10x - 5, फिर क्या होगा 6x³ और 3x², तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 2x, तो +2x मल्टीप्लाई की 2 × 3 = 6x³ - और प्लस माइनस रहेगा और -10x, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट, तो यहां पर क्या बचने वाला है 3x², ये भी कैंसिल आउट, -5 और यही है, तो +1 + 1 3x² - 5 यानी कि रिमाइंडर 1। डिवीजन प्रोसेस मैंने करके बता दिया, तो आपका कौन आया क्वेश्चन, ये और ये रिमाइंडर 0, इट मींस क्या है, तो मेरे को पहले ही पता था कि 3x² - 5 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, थ्री एक्स की पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 कैन बी रिटन एज 3x² - 5 इंटू x² + 2x + 1 x² इस फॉर्म में ये आ जाएगा, इस फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक पहुंच गए और ना अब 3x² इसको तो समझते हो, ये क्या होगा √3x - √5 और √3x + √5, इसके दो फैक्टर तो यही बनने वाले हैं,
और इसके क्या बनेंगे, ये तो लग रहा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या मिलेगा, इट मीन्स एक्स प्लस वन दो बार होगा, एक्स प्लस वन दो बार होगा, तो ऐसे और जीरो आर, तो एक तो रूट फाइव अपॉन थ्री थी, दूसरी माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री थी, और ये माइनस वन और माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन। एक बार चेक कर लीजिएगा, बीच में कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप अपने आप से भी करेंगे तो वो दूर कर लेना, ठीक है बेटा। बाय द वे एक आध परसेंट कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, बीच में, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बस जीरोज कुछ स्पेशल दी गई हैं, जीरोज कुछ स्पेशल हैं। कैसी जीरोज हैं कि मान लीजिएगा कोई पॉलिनोमियल है x की पावर 4 6 x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 x की पावर 4 माइनस 6 x क्यूब 26 x स्क्वायर 138x माइनस 35, ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है और इसकी जीरोज कैसी हैं, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ये हैं जीरोज, ये हैं जीरोज, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। तो इस क्वेश्चन को जो प्रोसीजर हमने अब तक आपको बताया है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा करके देखते हैं, लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा। भाई यदि ये जीरोज हैं तो फैक्टर्स कैसे होते हैं, मैंने बताया कि जो जीरोज है उनको एक्स से माइनस करके, इट मींस एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, एक फैक्टर तो ये होगा, और दूसरा एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, दूसरा फैक्टर ये होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, भी पी एक्स का एक फैक्टर होगा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करने में, मैं टेस्ट में देखता हूं बच्चों को अक्सर, इन दोनों का प्रोडक्ट करने में वो यहां पर आइडेंटिटी लगा देते हैं, कि a माइनस b a प्लस b, पता नहीं मुझे क्यों लगाते हैं वो, पर वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि x स्क्वायर, और अरे नहीं लगेगा बेटा ये यहां पर नहीं लगेगा। यदि आप इनका प्रोडक्ट करना ही चाहते हो, तो अलग अलग कीजिएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू दिस, ये और फिर ये, ठीक है। तो जब ये इंटू ये होगा ना, टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री, तब जाके फोर माइनस थ्री, तब ये वन होगा, ये वाला पार्ट वन हो जाएगा, इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, डायरेक्टली यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसको ओपन करके भी देखेंगे लगाने के लिए यदि आप करें, और क्या कर सकते हैं देखो, यदि ये माइनस आप ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, और यहां से माइनस करें तो ये माइनस और ये प्लस, अब ध्यान से देखेगा, यदि एक्स माइनस टू को आप एक ब्रैकेट में ले लें, हाँ, अब वो आइडेंटिटी आप जो चाह रहे थे वो लगा सकते हैं, क्या होगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक। इसको ओपन करके आप फैक्टर बना सकते हैं, आपको एक फैक्टर मिल जाएगा, उससे हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे। तो इसका जो मेन पार्ट में बताना चाह रहा था वो ये था कि इस वाले पार्ट की मल्टीप्लाई करने में हम गड़बड़ कर देते हैं, यहां पर मेन मिस्टेक होती है और चार नंबर का क्वेश्चन आपका खराब हो जाता है, ऐसे कई क्वेश्चन है, आर एस में देख लेना, आर डी में देख लेना, कैसे कई क्वेश्चन है सेम ऐसे ही, कुछ कहीं पे फाइव प्लस रूट थ्री होगा इस तरह के। तो इसका करने का एक छोटा सा तरीका मैं और देखता हूं, वो शायद आपको अच्छा लगे। हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था इफ टू जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, यदि किसी पॉलिनोमियल की जीरोज गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं,
पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिएगा अल्फा और बीटा जीरोज है और मेरे को पॉलिनोमियल चाहिए जिस पॉलिनोमियल की ये जीरोज है, तो आप क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और कहां पर पुट करते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये वो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आता था, ये वो पॉलिनोमियल आपका मिल जाता था। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम यूज कर ले, इस कंसेप्ट को हम यूज कर ले, हम वो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि भाई वो पॉलिनोमियल बताओ जिसकी ये जीरोज हो, जिसकी ये जीरोज हो। ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, तो अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 माइनस 3 डेट इज 1। तो कौन सा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, जिसकी जीरोज ये दोनों हो, जिसकी ये दोनों जीरोज हो, वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर अल्फा प्लस बीटा डेट इज 4, डेट इज 4 और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी ये जीरोज हैं, जिसकी ये जीरोज हैं, और वो कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जीरोज है, फैक्टर बनाएंगे दोनों का प्रोडक्ट करके वो पॉलिनोमियल निकाल लेंगे जिसकी ये जीरोज है, अदर जीरोज फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे, पी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब आगे का प्रोसीजर वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स 4 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 138 और माइनस 35, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो जीरो आना ही है, रिमाइंडर तो जीरो इसका आना ही है। ठीक है, और यहां पर जो कोशेंट मिलेगा, यहां पर जो कोशेंट मिलेगा, फर्दर क्या करेंगे, दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट, रिमाइंडर तो जीरो है और कोशेंट जो भी आएगा उसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे, फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, और जीरोज फाइंड आउट करने के लिए दो फैक्टर तो पहले ही होंगे, यानी कि दो जीरोज तो ये वाली होंगी, ये निकल के आएंगी, और इनको जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो दो जीरोज और मिल जाएंगी। तो यहां पर यही स्पेशल था इस क्वेश्चन में, यही स्पेशल था कि हम इसको इस तरह से सोल्व करें, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे करेंगे तो माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होगी, ऐसे करेंगे तो माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए और देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कोई एक पॉलिनोमियल आपका एक एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसकी जीरोज गिवन है, इसकी जीरोज गिवन है a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, कैसे करेंगे, इनको अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट हम यूज करें, इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट हम यूज करें, क्या ये जीरोज हैं तो इनको यहां पर पुट कर दे, हाँ पुट करके कोई इक्वेशन तो ए और बी में बन जाएगी, कोई इक्वेशन तो ए और बी में बन जाएगी, लेकिन क्या उससे सोल्व हो जाएगा, हाँ पॉसिबिलिटी है कि सोल्व हो जाए, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा, बताइए ए माइनस बी यहां पर पुट करेंगे तो क्यूब स्क्वायर काफी बड़ा एक्सप्रेशन होगा, तो यहां पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट। आइए आप देख लीजिएगा, सीधे स्टार्ट करते हैं यहां से, हियर ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू माइनस 3, सी इज इक्वल्स टू 1 एंड डी इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा बीटा गामा ये जीरोज हैं, ये जीरोज हैं, वी नो दैट, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी ए कोने होता है कि नहीं, एक थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिख रहा हूं, अल्फा बीटा
बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और थर्ड पार्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो क्या करें, चलो यहां पर पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस थ्री अपॉन वन डेट इज थ्री। यहां से आप देखेंगे बी कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री ए इज इक्वल्स टू थ्री, तो a इज इक्वल्स टू वन, a इज इक्वल्स टू वन। बताइए मैं क्या सब रिलेशन का यूज करना जरूरी है क्या, मुझे केवल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो इजीएस्ट पाथ होगा उसी को फॉलो करूंगा, उसी को फॉलो करूंगा। आइए यहां पर रख के देखते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, क्या ये तीनों लिख दे गलत किया ना, मुझे क्या पता पहले कौन सा यूज होगा, ठीक है, इनको डाल दीजिएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, कोई बात नहीं, बी नो दैट। फिर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये वैल्यू निकाल ली, फ्रॉम थर्ड सेकंड को छोड़ दीजिएगा, नहीं यूज करेंगे, ए माइनस बी इनटू ए और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस डी अपोन ए, माइनस डी अपोन ए मतलब माइनस वन आ जाएगा। इन दोनों को आप देखते हो ना, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस वन, ए की वैल्यू वहां से पुट कर दीजिएगा, वन माइनस बी स्क्वायर इंटू वन इजिकल्स टू माइनस वन इंप्लाइज वन माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, तो बी स्क्वायर को तो एक साइड में उधर ले जाइएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और वन इधर आएगा तो क्या बनेगा बेटा, टू बन जाएगा, वन प्लस वन टू, तो बी इजिकल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट टू, प्लस माइनस अंडर रूट टू, ये वैल्यूज ए और बी की आ जाएंगी। सिर्फ आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है आपका एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब एट एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स प्लस एटीन प्लस एटीन, ये कोई क्वेश्चन है। और यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन इस पॉलिनोमियल को यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव से डिवाइड करूं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर पी एक्स प्लस क्यू बता रहे हो, रिमाइंडर पी एक्स प्लस क्यू, एक्स की पावर फोर टू एक्स क्यूब एट एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब एट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एटीन प्लस एटीन, इसको डिवाइड करना एक्स स्क्वायर प्लस फाइव से और आपका जो रिमाइंडर है वो पी एक्स प्लस क्यू है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू कैसे करेंगे भैया, लॉन्ग डिविजन मेथड से कर लीजिएगा, इस पर जीरो वीरो तो मेरे को बताया नहीं, जीरो नहीं बताया, तो चलो कर लेते हैं, 2x क्यूब 8x स्क्वायर 12x प्लस 18 और x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 से, तो यहां पर x की पावर 2, समझ गए ना, ज्यादा एक्सप्लेन तो ना करो इसको भैया, x की पावर 4 है ये x स्क्वायर है, तो क्या बनाना है, पहली टर्म मैच करनी होती है हमें, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, सबट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो 2x क्यूब तो एज इट इज, और यहां से आएगा 3x स्क्वायर 12x प्लस 8 2x क्यूब और ये तो प्लस 2x आएगा प्लस 2x, तो 2x क्यूब और 2 5 आर 10 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये तो कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर अभी ऐसे ही रहेगा, ये 2x प्लस 8, अब यहां पर कर लीजिएगा 3, तो 3x स्क्वायर 3 5 आर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट 2x सॉरी ये प्लस ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहां पर क्या आएगा माइनस के 7 माइनस के 7 और ये रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर तो भाई पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू है, तो आप देख लीजिएगा ना, यदि रिमाइंडर पी एक्स प्लस क्यू है तो पी की वैल्यू तो 2
और q की वैल्यू -7, p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े अच्छे क्वेश्चन में एचओटी में माने जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।